नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकील। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज के क्लास में जो हम बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का 500 एमसीक्यू का 10 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा दोस्तों। वो सेट आपको सेट नंबर आज होगा जो दोस्तों, वो सेट नंबर 2 होगा। उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पे आप जो हर शाम के 6 बजे आपको यहाँ पे आप शाम के 6 बजे रोज़ शाम के 6 बजे आपको ये सेट डेली का डेली मिल जाया करेगा रोज़। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है जो दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी जे थॉम्सन ने, ऑप्शन सी रोटेंटेंजन ने, ऑप्शन डी बैकेरल ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी आप लोग हो सकता है दे सकते हैं, तो देखिए आप लोग को कुछ टाइम दे रहे हैं देने के लिए, दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैकेरल ने, यानी रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी बैकेरल ने। चलते हैं क्वेश्चन 12 है आपका, वो कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी डीजल। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चल क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे आबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए विखंडनीय पदार्थ, ऑप्शन बी मॉडरेटर, ऑप्शन सी नियंत्रण छड़, ऑप्शन डी शीतल प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडरेटर, यानी मॉडरेटर जो है, मॉडरेटर से इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को अवमंदित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन गैस है, यानी निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ग्रीन गैस हाउस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते नंबर 15 है जैसे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्रियॉन, ऑप्शन डी फॉस्फिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रियॉन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर फ्रियॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशीतन तंत्र में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। ऑप्शन बी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है तली में होनी चाहिए, ऑप्शन सी मध्य में होनी चाहिए, ऑप्शन डी कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी किन्हीं किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली हमेशा ऑप्शन शीर्ष पर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आसान है क्वेश्चन, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। क्योंकि हीलियम गैस को गुब्बारे में इसलिए भरा जाता है क्योंकि उसका वायु वह वायु से बहुत ही हल्का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी क्योंकि यह हीलियम जो होता है वायु से हल्का होता है। चारा है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। यानी भारत से पहले हम लोग जानते हैं कि भारत से पहले यानी 5 ऐसे देश था जो परमाणु विस्फोट किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। यानी अग्नि का सही वर्णन, तो हम लोग जो ऑप्शन है लड़ाकू विमान, ऑप्शन बी है सर्व तो मुखी टैंक, ऑप्शन डी सी है दीर्घ परास मिसाइल, ऑप्शन डी है दीर्घ परास पताल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दीर्घ परास मिसाइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यूरेनियम अंतः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है। ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी पोलिनियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सीसा, यानी सीसा में क्या होता है बदल जाता है। यूरेनियम अंतः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है, तो सीसा में ये बदल जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। चलते हैं, आप नए हैं तो हमारे चैनल को स्मार्ट एकेडमी पॉइंट को चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।